हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग नेक को किस तरह से फिनिशिंग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा नेक है। तो नेक को हमने पलट लिया है, जैसे कि हमने इस ब्लाउज को स्टिच किया है। तो नेक को इस तरह से स्टिच कर लो पहले, ठीक है, अस्तर को, फिर उसको पलट दो। पलटने के बाद कई बार क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल फैब्रिक पे करते हैं, ये तो ब्रोकेट है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल फैब्रिक होगा ना, तो ये थोड़ा सा लूज लूज लगता है, तो इतना अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो उसको और अच्छा इस फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नेक को ना पूरा प्रेस कर लो, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह का हमारे पास फ्यूजिंग टेप मिल जाता है मार्केट में, इसको रिवर्सिबल टेप भी बोलते हैं या फ्यूजिंग टेप बोलते हैं, इसको लेना है। और यहाँ पे जैसे देखो, ये रहा हमारा नेक का डिज़ाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऐसे बिछा दिया। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, राउंड नेक हो या कोई भी नेक हो आप कर सकते हो उसको। तो देखो, ऐसे मैंने बिछा दिया और इसको रख दिया। अब इस पर हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको बिछा देंगे और प्रेस कर देंगे। मैंने यहाँ पे भी ना वो टेप लगा दिया था, तो देखो आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे ये चिपक गया है ना, दोनों कपड़े और नेक पे ये चिपक गया। अब ये जो हमारा सीधा साइड है, वहाँ से आप देख सकते हो नेक में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है ना। तो ऐसी फिनिशिंग आपकी, यहाँ पे जो फैब्रिक होता है वो लूज नहीं रहना चाहिए, अस्तर और मेन फैब्रिक चिपक जाना चाहिए। ये लूज लूज नहीं रहेगा ना, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, जैसा कि ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का ये नेक देखो, है ना, अस्तर और नेक जो अलग अलग है, मेन फैब्रिक और अस्तर, तो ये अभी लूज लूज लग रहा है, लेकिन हम इसको भी ऐसे ही सेम तरीके से फिनिशिंग देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, टेप लेंगे। अब टेप को ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर लीजिए, क्योंकि राउंड नेक है ना, तो राउंड नेक में हमारा इस तरह से एक ही बार में नहीं होगा, छोटा छोटा पीस करके इस तरह से नेक के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। मैं पूरे राउंड नेक पे कर लूंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से टेप बिछा लिया। अब इसके बाद हमने प्रेस कर देना है। अभी आपको एक जादू सा लगेगा, इतना अच्छा फिनिशिंग आपके नेक पे आ जाएगा ना, बिना कुछ करे, बस थोड़ी सी मेहनत है। तो आप नेक को अब देखिए, इस तरह से कितनी अच्छी फिनिशिंग हमारे आ चुकी है। तो आप एक चीज़ देखिए, अब इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके ना बहुत अच्छी फिनिशिंग दे सकते हो अपने क्लाइंट के काम पे।